अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आज हम लोग जश्न आज़ादी बाहर सेलिब्रेट करने आए हैं और पेशावर में देखें कितनी अच्छी लाइटिंग और डेकोरेशन की हुई है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कयूम स्टेडियम के हम बाहर खड़े हुए हैं और मैं और मेरे बहन हमारे भाई हमारी फुल फैमिली यहाँ पर घूमने आई है जश्न आज़ादी की खुशी में। हम लोगों ने आज 14 अगस्त से रिलेटेड वाइट और ग्रीन कपड़े पहने हैं और चले आए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं तैयार कैसे हुई और मैं आप सबको अपनी तैयारी दिखाती हूँ। ड्रेसिंग तो हो गई है हमारी और मुझे पता है कि आपको मेरी ड्रेसिंग अच्छी लगी होगी। और मैंने आज बाबा से बहुत ज़िद की कि बाबा आप मुझे आज ज़रूर बाहर ले जाना के ताकि मेरे जिन बहुत से फ्रेंड्स ने आज बाहर नहीं गए होंगे तो उन्हें मैं इंजॉय करवाऊं। और आज आपने मेरे साथ ही रहना है, मैं आपको आज बहुत इंजॉय करवाऊँगी। आज हम सारा दिन घूमेंगे। सबसे पहले मैं आपको पेशावर क्लब दिखाती हूँ। देखिए इस पर कितनी प्यारी लाइटिंग की हुई है और इस पे देखिए चांद सितारा भी बना है। और अभी मैं आपको एक स्टॉल का विजिट करवाती हूँ, एक बहुत प्यारा स्टॉल है, अभी हम उस पर जाएंगे। स्टॉल बहुत अच्छा था लेकिन मैं जस्ट आपको विजिट करवा रही थी। फिर मैंने सोचा यहाँ पर कुछ प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं तो इनसे मैं कुछ इंटरव्यू ले लूँ। देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या करने आए हैं और ये क्या जवाब देंगे। ये बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए थे, ये समझे कि जैसे कोई मीडिया वाला है। तो फिर और भी बच्चे मेरे पास इकट्ठे हो गए थे और इन्होंने मुझे बड़े मज़े के जवाब दिए। अब मैं आपको ले के चलती हूँ पेशावर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। देखिए ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, इस पर भी इन्होंने बहुत अच्छी डेकोरेशन किया है 14 अगस्त के लिए। सिस्टर कॉम्प्लेक्स में एंटर हुए, मैंने बाबा को कहा कि बाबा हम पहले से चले जाते हैं, हम अपने सीट्स बुक कर लेते हैं क्योंकि मुझे रात को 12 बजे आतिशबाजी देखनी थी और मुझे इंजॉय करना था। चले आए, मैं आपको भी आज इंजॉय करवाऊंगी, आप ही मेरे साथ आतिशबाजी देखना।
और मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ जाएंगे और हम अंदर जाकर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ इंजॉय करेंगे। अब 12 बजने में चंद ही मिनट बाकी है। आधा पेशावर कॉम्प्लेक्स में आया हुआ है और यहाँ पर मीडिया की गाड़ियाँ भी आई हुई हैं इतनी ज़्यादा। देखिए, आप देख सकते हैं हम इधर फैमिली विंग में मौजूद थे। यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया था, यहाँ पर पुलिस भी थे और यहाँ पर अच्छी बैठने की जगह भी थी। फैमिली विंग में बहुत अच्छा था और मैं अकेले इंजॉय नहीं, मैंने सोचा कि आपको भी अपने साथ इंजॉय करवाऊँगी कि आप भी मेरे साथ आतिशबाजी इंजॉय कर सके। कितनी मज़े की आज इधर फायरवर्क्स होंगी। चलिए एक काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
जाते हैं। मैंने आपके लिए क्लिप्स लिए हैं ना, तो आप इससे भी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आप भी मेरे साथ देखें।